आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में डीएम रविंद्र कुमार गुरुवार को एक्शन में दिखाई दिए, जब कमिश्नर सौम्या अग्रवाल उस विभाग की मीटिंग कर रही थी। डीएम चुपचाप उस विभाग के दफ्तर पहुंच गए। दोपहर के वक्त उनकी और स्टाफ की कार को देखते ही दलालों की मौजूदगी के लिए कुख्यात दफ्तर में खलबली मच गई। कोई छत दीवार तो बहुत सारे गेट कूदकर भागने लगे। डीएम के साथ मौजूद गनर स्टाफ ने एक दर्जन लोगों को पकड़ लिया। डीएम ने उनसे बात करके दफ्तर आने का कारण जाना। संतुष्ट होने पर कि अमुक शख्स अपने काम से आए थे, उन्हें जाने दिया। जो डीएम को संतुष्ट नहीं कर पाए, उन सभी को कैंट थाने से पुलिस बुलाकर उसके हवाले कर दिया। इसके बाद डीएम दफ्तर के अंदर गए, उपस्थिति चेक की, जो नहीं थे उनके बारे में जानकारी की। दफ्तर में फाइलें अस्त व्यस्त देख कर नाराजगी जताई, रख रखाव ठीक करने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम वापस लौट आए। अब अगर पुलिस की जांच में पुष्टि हो जाती है कि जिन 6 लोगों को पुलिस के हवाले किया गया है उनमें दलाल हैं, तो फिर कार्रवाई तय है। अफसरों पर भी आंच आएगी, इसलिए क्योंकि शासन के तमाम निर्देशों के बावजूद नकटिया स्थित आरटीओ दफ्तर से दलालों को दूर नहीं किया जा सका है। वो दिन भर कार्यालय के बाहर और अंदर मंडराते देखे जा सकते हैं। इस तरह की शिकायतें आला अफसरों के दफ्तरों में भी पहुँचती रहती हैं। अब पुलिस की जाँच पूरी होने तक इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। क्या करने के लिए आए थे तो बताओ ना। कहाँ से मेला आया था? व्हीकल नंबर ये बरेली से। जल्दी देख के तो आप गाड़ी नंबर ये है सर, इनका कहना है कि हमारे पिताजी चंद्रपाल चंद्रपाल और इनकी देखो कागज तो पिताजी बल्दी दिखा रहे हैं। पार्टनर है मेरा, जिसके पापा है नहीं और इनकी बल्दी देखो दिन नहीं है। ठीक है सर। पांच आदमी हो गए।